मैं जब भी अपनी वो वीडियो डालती हूँ उसके ऊपर, अच्छा खवातीन के बारे में सुना था कि वो जेलस होती हैं। अरे मर्द हंस रात इतने जेलस हो रहे होते हैं, मेरे बालों के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं कि मुझे अपने बालों पे कम त्वचा देनी चाहिए और अपनी सहाफत के ऊपर ज़्यादा त्वचा देनी चाहिए। तो मैं आप सबके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे बालों से जेलस होने की बजाय ना, अपनी माओ बहनों बेटियों को ना एक डायसन ले दें ताकि वो भी मेरी तरह से अपने बाल बना सकें, और जो आप लोग हैं ना उनकी ये शिकायत तो एटलीस्ट खत्म हो कि जर ज़बीना के बाल ही अच्छे होते हैं। वैसे भी आई वालों से ज्यादा एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब की मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और छोड़ देते हैं, और बल्कि एक ये भी ट्रेंड चल गया है कि अब पहले ही पार्टी छोड़ने से पहले एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि अगर हम पार्टी को छोड़ते हैं तो वो उसको हमारा बयानिया या उसको हमारा मौकफ ना समझा जाए। मेरे पास मेरे कन्फर्म्स राय में एक बात बहुत अरसा पहले बताई थी पर मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, दिल टूट जाता है आप लोगों का, लेकिन मुझे लगता है ये सही वक्त आ गया है आप लोगों को बाखबर करने का कि आपकी पार्टी के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा चंक फरमाइशी तौर पर गायब होता है। फरमाइशी तौर पर गायब होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं से नमूदार हो जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि बेहतर है कि हम पहले एक स्टेटमेंट जारी करें कि जी हम जो है अगर गायब हो जाते हैं तो हम स्टिल पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जो पीटीआई का वोटर और सपोर्टर है उसकी सिंपथी जो है वो हमारे साथ कायम दायम रहेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर हम स्विच करते हैं पार्टी तो हमसे नफरत नहीं होगी, जब हम अपने किसी हलके में उतरेंगे तो वो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर के अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद होगा जो कि हमें वोट की सूरत में मिलेगा। तो मैंने सोचा इंसाफियों आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को भरपूर तरीके से वामों बनाया जा रहा है, आप लोगों के लीडर को भी छोड़ा जा रहा है, आपकी पार्टी को भी छोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन किया जा रहा है, और आप लोग सोशल मीडिया पर यही कहते रहते नहीं बख्श दो इसको, कुछ नहीं कहना, इसकी मजबूरी थी, इसने पहले ही ये स्टेटमेंट दे दी थी। तो प्लीज या तो इमरान खान के साथ खड़े रहें या भगोड़ों के साथ खड़े रहें, आप लोग भी ना दो कश्तियों के सवार हैं, तो फिर तो यूं मेरे भाई सारे भगोड़े ही आपके लीडर को बार बार डिच करते रहेंगे और आप बार बार एक ही बात करेंगे मधुबाला की तरह। प्लीज आप इसको कुछ मत कहें, इसके ऊपर मजबूरी थी भाई, इक्तदार के मजे लेते वक्त जो है कोई मजबूरी नहीं होती, इक्तदार छोड़ते वक्त आपको इनकी बड़ी मजबूरियां याद आ जाती हैं। जो भी इमरान खान का इस तरह से इक्तदार मजे लेने के बाद छोड़ के जा रहे हैं ना मेरे भाई, उनकी अपनी बहुत बड़ी फाइलें बनी हुई हैं, ठीक है, और वो अपनी फरमाइशी तौर पे इमरान खान को छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं। बिलीव मी आप लोग इस जो है ना अंधे अकीदे से बाहर आ जाए कि इमरान खान को छोड़ने वाले अभी भी इमरान खान के साथ मुखलिस है। मेरे भाई वो किसी पावर पार्टी के चले गए, उन्होंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी भी आप मधुबाला बन के उनके बारे में नहीं इसके बारे में कुछ मत कहिए, ये बहुत मासूम है। ओके तो मेरे बाल हो गए रेडी, और लाइक आई सेड अगर मेरे बाल इतने ही आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो अपनी माओ बहनों बेटियों को डायसन लेके दें ताकि वो मेरे से भी अच्छी और प्यारी प्यारी लगे और आपको मेरे तरफ ध्यान ना जाए और मुझे नजर तो बिल्कुल भी मत लगाएं आप लोग। तो क्या मैं कह रही थी कि पीटीआई के लोगों को ये मधुबाला बन के अपने जाने वाले भगोड़ों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है दिल में रखना बंद कर दें। जो अभी रोज आपने देखा है कि इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, मेरे वसूख जराए के मुताबिक आपकी अभी भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से कांटेक्ट कर रही है, मुख्तलिफ टीवी चैनल से कांटेक्ट कर रही है कि हम जो है वो जाना चाहते हैं, हमारी जान खुलासी करा दें किसी तरह से। तो कुछ लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जान छुड़ा रहे हैं, कुछ लोग पहले ही अपनी एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम जो है वो इमरान खान को नहीं छोड़ रहे, अगर छोड़ेंगे तो ब्ला 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 सो ऑन, हमारे ऊपर दबाव होगा तो उसको हमारी स्टेटमेंट ना समझा जाए, अगर ना समझा जाए तो फिर वो दूसरी पार्टियों के जो पटे हैं वो अपने गले में क्यों डलवा रहे हैं। अगर वो इतने ही सिंसेयर हैं, ज़बरदस्ती उनको फोर्सफुली उनसे स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं तो वो इमरान खान को छोड़ के गुमनामी की ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार लेते। वो इस्तेहकाम का पट्टा, कभी नून का पट्टा, कभी पीपी का पट्टा, कभी पता नहीं एमक्यूएम का भी डलवा लें,
तो क्यों डलवा रहे हैं आप लोग, तो बुला है। वैसे तो आप लोगों की अपनी मर्जी है भाई, हमारी तरफ से क्या, मैंने कौन सा आपको कुछ आप लोगों से लेना है। लेकिन फिर भी ये पीटी बन के मधुबल बन के, नहीं हमने इसके ऊपर जो है ना तनकीद के नश्तर नहीं चलाने हैं, ये मजबूर है। तो भाई फिर तो सारी पार्टी आपकी मजबूर है, फिर काहे का गुस्सा कर रहे हैं। जब इलेक्शन आएंगे, जो उनका मोटिव है कि आपकी सिंपथी लेना, फिर इलेक्शन वाले दिन जो है वो जब भी किसी भी झंडे से खड़े हों उनको जाके वोट डाल दीजिएगा, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, इमरान खान का वोट भी टूट जाएगा और सिंपथी के साथ जो है उनको वोट भी मिल जाएगा। क्योंकि एक दफा जब परसेप्शन बन जाती है फिर उसको लोगों के दिमागों से निकालना बहुत मुश्किल होता है। आगे थोड़ी मर्जी है, लुटना है तुसी लुटो, अगर तुसी बच रहे तो बच सकते हो। मेरा काम था आप लोगों को बताना, बाखबर करना, आगे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज़।